हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो गिवन कंपाउंड हमारे पास है, इसका HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास ए यहाँ पे प्रोड्यूसर, हमें बताना है ये ए आपके पास क्या होगा। तो ये गिवन कंपाउंड आपके पास है यहाँ पे, इसका HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है और HBr के साथ रिएक्शन के साथ हमें बताना है यहाँ पे जो ए प्रोड्यूस होगा, ये ए आपके पास जो है वो क्या है। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह से आपके पास यहाँ पे रिएक्शन का टेक प्लेस कर रहा है, तो पहले गिवन कंपाउंड के ऊपर ध्यान दें। कंपाउंड क्या है? CH3, यहाँ से आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या होगा? CH2। तो जो HBr है ये पहले आपके पास आयनाइज होगा, कैसे आयनाइज होगा? H पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? Br नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले स्टेप में ये H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से अटैक कर जाएगा। ओके, तो इधर देखिए आपके पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ से आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटाइन? दैट इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इट इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है, एट दिस पोजिशन देयर इज CH3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट जो है, ये हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो आपके पास क्या कर रही है, टेक प्लेस कर रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, इधर आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या करेगा, Br नेगेटिव जो होगा वो यहाँ से अटैक कर जाएगा। ये शिफ्ट क्यों हुआ है, बिकॉज ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास बना है, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ से बनेगा CH3 कार्बन, इधर आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ से आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।